हम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर हमारे घर में अगर किसी शादी का इंतजाम होता है तो महीनों उसकी तैयारी करना पड़ती है, लेकिन वो शादियां, वो शादी की तकरीबात के जिनमें मुश्किल से 1000 लोग भी शामिल नहीं होते, उनकी तैयारियों का जब यह आलम है कि महीनों लोग परेशान हो रहते हैं, अहले खाना परेशान रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, तो वो उर्से रजवी के जिसमें 25-30 लाख का मजमा हाजिर होता हो तो उसके इंतजामात का आलम क्या होगा। ये इंतजामात जो आप देख रहे हैं, ये आलीशान शामियाना सर्दी के मौसम के हिसाब से आरामदेह और पुरतायुश ये शामियाना, और यहाँ बर्की इंतजामात, इसके अलावा दरगाहे आला हजरत पर जाने वाली हर गली की सजावट, दरगाहे आला हजरत पर हाजिर होने वाले जायरीन के खाने पीने और कयाम का इंतजाम और दीगर सहूलियात, जो कुछ भी आप ये देखते हैं, ये सब शहजादे आला हजरत मोहसिन कौम मिल्लत हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद सुभान रजा खान सुभानी मियाँ मतज़िल्लुह नूरानी की तवज्जुहात खुसूसी का नतीजा है और उनकी कोशिशों और मेहनतों का समरा है। इस सिलसिले में जबकि पूरी दुनिया अहले सुन्नत से हर साल से बेहतर इंतजामात देख करके उन्हें जब मुबारकबाद पेश की जाती है तो अल्लाहु अकबर जवाब में इतना प्यारा जुमला इरशाद फरमाते हैं कि ये सब मेरा काम नहीं बल्कि मेरे बुजुर्गों को रूहानी तसर्रुफ का कमाल है, इसलिए कि उर्से रजवी के इंतजामात का करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये जो कुछ जो भी इंतजामात होते हैं सब मेरे जद्दे अमजद सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो की रूहानी करामत का नतीजा है। और हकीकत भी यही है कि सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो मकबूले बारगाहे रिसालत जात है कि जिसके नाम को दुनिया वालों ने जितना छुपाना चाहा उनका नाम उतना ही ज्यादा छपता हुआ नजर आ रहा है, जितना लोगों ने उसे मिटाना चाहा उतना ही वो जिंदा व जावेद होता हुआ नजर आ रहा है। गोया के सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सनद कबूलियत अता फरमा दी, अय अहमद रजा पूरी जिंदगी तुमने हमारा तस्करा किया, पूरी जिंदगी तुमने हमारे नामूस का तहफ्फुज किया, पूरी जिंदगी हमारी जात को गालियों से महफूज रखने के लिए आपने अपने कलम का इस्तेमाल किया, अपनी तसनीफात का इस्तेमाल किया, अपने फतावा का इस्तेमाल किया, इसलिए ऐ अहमद रजा तुम्हें बारगाहे रिसालत से ये इनाम अता किया जा रहा है कि जहां जहां हमारा जिक्र होगा ऐ अहमद रजा वहां वहां तुम्हारा जिक्र होगा। और सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो को यह मकबूलियत यूं ही हासिल नहीं हो गई बल्कि जहां आपने तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की अजीम मुहिम शुरू की और उसको जारी किया, वहीं आपने तहफ्फुज़े अजमत औलिया के लिए भी पूरी जिंदगी अपने आप को वक्फ किया। सहाबाए किराम की अजमत पर जब उंगलियां उठाई गईं तो इमाम अहमद रजा के कलम ने उसका जवाब दिया। जब तफजील शेखैन के मसले को उठाया गया सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की जात को तानो तशनी का निशाना बनाया गया तो सरकारे आला हजरत ने अपनी तसनीफात के जरिए उसका दिफा किया। जब सहाबे इकराम की अजमत पर उंगलियां उठाई तो आला हजरत के कलम ने उसका जवाब दिया। जब सैयदना इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत पर लोगों ने
कीचड़ उछालने की कोशिश की तो सरकारे आला हजरत ने अपनी तसनीफात के जरिए न सिर्फ ये कि उसका दंदान शिकन जवाब दिया, बल्कि एतराज करने वालों का ऐसा मुहासबा किया कि उनके मुतबईन और उनके चेहरे आज तक उसका जवाब देने से कासिर नजर आ रहे हैं। इसी तरह जब सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान को घटाने के लिए लोगों ने कोशिश करना शुरू की तो सरकारे आला हजरत ने उसका भी जवाब दिया। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए आपने वो तारीख साज जुमले इरशाद फरमाए जो सुल्तानुल हिंद की जिंदगी पर लिखे जाने वाले हजारों सफात पर भारी नजर आते हैं। अजमेरे मुकद्दस का मकाम और मर्तबा आपने वाजे फरमाया और सरकाराने मारहरा मुताहरा की अजमत इमाम अहमद रजा के दिल में कैसी थी ये तो उनकी हदाय के बख्शिश में मौजूद उनके अशार बताते हैं हमें। सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का चूंकि वो पीर खाना है मारहरा मुताहरा की खानकाह बरकातिया सिलसिले आलिया कादरिया की वो अजीम शान खानकाह है कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर सिलसिले कादरिया को वो फरोग बख्शा कि आज तक ऐसा फरोग किसी खानवादे के हिस्से में नहीं आया। सरकाराने मारहरा मुताहरा में हजरत सैयदना शाह बरकतुल्ला मारहरवी अलैहि रहमा की ज़ाते गिरामी हो या हजरत सैयदना शाह हमजा ऐनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते मुबारक, सैयदना शमसे मारहरा हुजूर अच्छे मियां अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ाते गिरामी हो या खातिमुल अकाबिर हजरत सैयदना आले रसूल मारहरवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते मुकद्दस, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमत व रिजवान हो या साहिब उर्स कासमी हजरत सैयदना इस्माईल हसन शाहजी मियां अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ाते मुबारक हो, हुजूर ताजुल उलमा हो या सरकारे अहसनुल उलमा या मौजूदा सज्जादा नशीन हजरत अमीर मिल्लत की ज़ाते गिरामी हो या खानकाहे बरकातिया नूरिया के सज्जादा नशीन रफीक मिल्लत हजरत नजीब हैदर साहब क़िबला की ज़ाते मुकद्दस हो। ये वो तमाम बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने सिलसिले आलिया कादरिया के फरोग में एक कलीदी हैसियत के साथ न सिर्फ ये के काम किया बल्कि अपने खुलाफा के जरिए सिलसिले आलिया कादरिया को फरोग बख्शा और उसके उरूज व इर्तिका के लिए आप हजरात ने मुखलिसाना कोशिशें की। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का यही वो अजीम पीर खाना है कि जिससे सरकारे आला हजरत को बे इंतहा मोहब्बत थी, बे इंतहा वहां से अकीदत थी। हद तो यह है कि मारहरा शरीफ की सरजमीन पर उतर कर आप नंगे पैर चला करते थे, यह आपके एहतराम का आलम था। और यही वजह है कि सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो अजमत और जो रिफत हासिल हुई उसमें इन्हीं सरकाराने मारहरा मुताहरा की ताईद भी मौजूद है। गोया के इन्होंने कहा, अय इमाम अहमद रजा, तुमने सादात किराम की सही ताजीम का लोगों को दर्श दिया और लोगों को दलाइल व बराहीन के जरिए से लोगों के सामने ये साबित किया कि सादात किराम का एहतराम क्या होता है। तो अय इमाम अहमद रजा, जहां जहां हमारी ताजीम होगी वहां वहां तुम्हारी भी ताजीम होगी। सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह तआला की इसी जाते गिरामी से मंसूब ये उर्से रजवी है जिसमें आप हजरात तशरीफ लाए हैं और ये वो अजीम खानवादा है, खानवादे रजविया, जिसकी एक अजीम तारीख है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हुक्मरानी करने वाला एक कबीला है कबीले बढ़ेच, जहां से सरकारे आला हजरत के खानदान का ताल्लुक है। ये वो हुक्मरान कबीला था कि जिसके अंदर नवाब हाफिजुल मुल्क वालिये रोहिलखंड हाफिज रहमत
हाफिज रहमत खां उन्होंने खुलासतुल अंसाब में इस बात की तस्रीह की कि इस कबीले बढ़ेज का ताल्लुक उस नस्ल से है कि जिस नस्ल में हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत नूह भी मौजूद हैं, हजरत इब्राहिम भी मौजूद हैं, हजरत याकूब भी मौजूद हैं। इसी कबीले के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है कैस बिन अब्दुल रशीद, जिन्हें सहाबी रसूल होने का फख्र हासिल है। ये सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हों के जद्दे अमजद हैं। ये वो अजीम शान खानदान है कि जिसका माजी इंतहाई ताबनाक है, जिसका हाल बहुत रोशन और मुनव्वर है, और इंशाअल्लाह कयामत तक इसका मुस्तकबिल भी इसी तरीके से रोशन और ताबनाक रहेगा। तो हासिदीन मसलक आला हजरत या हासिदीन इमाम अहमद रजा उस खानवादे की अजमत को कैसे मिटा सकते हैं कि जिसकी पुश्त पर सरकारे गौसे पाक का पंजा मौजूद हो, जिनके पीछे सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी कुव्वत काम कर रही हो, और जिनके सरों पर सरकाराने माहरा मुताहरा का रूहानी फैजाने करम मौजूद हो, उस खानवादे की अजमत और रफत को कौन मिटा सकता है। इसी खानवादे के अजीम शहजादे हैं हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद सुभान रजा खां सुभानी मियां मद्दत लून नूरानी, जो इतना अजीम शान और से रजवी का इंतजाम करते। और इसी खानदान के चश्मो चराग हैं हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अहसन रजा कादरी मद्दत लून नूरानी, जो अपने वालिद मोहतरम के इस वक्त दस्तो बाजू बन करके पूरे हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में मसलक आला हजरत के फरोग के लिए न सिर्फ ये के कोशा हैं, बल्कि रातों दिन अपने घर का ऐशो आराम तज करके वो हमेशा ही हमेशा गरीबों की बस्तियों में भी नजर आते हैं और सरमायादारों की कोठियों में भी नजर आते हैं। ये इन्हीं सब बुजुर्गों का अमली इकदाम है जिसकी ताबानियां आप इस्लामिया ग्राउंड से लेकर के दरगाह आला हजरत तक देखते हैं और अपने माथे की निगाहों से उसको मुलाहिदा फरमाते हैं। ऑल इंडिया मुशायरे नातो मनकबत, उसकी ये तकरीर अब शुरू होने जा रही है, इसलिए मैं तमाम शुआरा से और अपने तमाम मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द अज जल्द यहां जलसागाह में हाजिर हो जाएं, ताकि इस नातिया मुशायरे को बाजाब्ता तौर पर शुरू कराया जा सके। आप हजरात जो यहां खड़े हैं, आपसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं, ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ ना हो और इसी तरीके से वो बैठते चले जाएं, इसलिए कि आज का ये मुशायरा इंशाअल्लाह तबारक तआला इंतहाई कामयाब और कामरान रहेगा, क्योंकि इसमें मुल्क के खित्ते से तशरीफ लाए हुए वो शोरा मौजूद हैं कि जो शब रोज मसलक आला हजरत की तबलीग भी करते हैं और मसलक आला हजरत के लोगों से नारे भी लगवाते हैं। वो मसलक आला हजरत के जिसके नारे पर लोग पाबंदी लगाते हैं, लेकिन ये हमारी जमात के खुतबा का कमाल है, हमारी जमात के शुआरा का कमाल है कि वो आवाम के जहनों फिक्र से मसलक का तसव्वुर ना तो निकलने दे रहे हैं और ना ही उनकी जबान से इनके नारों पर पाबंदी लगने दे रहे हैं। ये तमाम शुआरा आहिस्ता आहिस्ता यहां पर तशरीफ ला रहे हैं, इनके बेहतरीन कलामों को आपको सुनना है, लेकिन नातिया मुशायरे की इब्तिदा करने से पहले इस प्रोग्राम के सिलसिले में हुजूर साहिब सज्जादा ने जो जाब्ता बनाया है उसको मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी है। आज के हमारे मुशायरे नातो मनकबत में जो हजरात
शिरकत फरमाएंगे उनके लिए मुशायरा कमेटी ने हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म से दो डिब्बों का यहां पर इंतजाम किया है। एक डिब्बे पर लिखा हुआ है तहते लफ्ज और दूसरे डिब्बे पर लिखा हुआ है तरन्नुम। जो शुअरा तहते लफ्ज कलाम पेश करना चाहते हैं तो वो अपना नाम लिख करके तहते लफ्ज वाले डिब्बे में डालेंगे और जो हजरात तरन्नुम के साथ पढ़ने के ख्वाहां हैं वो अपना नाम तरन्नुम वाले डिब्बे में डालेंगे। इस सिलसिले में यहां जिम्मेदारान अफराद मौजूद हैं जो निहायत दयानतदारी के साथ उन पर्चियों को निकालकर नाजिम इजलास के सुपुर्द करते रहेंगे और नाजिम इजलास उन पर्चियों पर लिखे हुए नाम का ऐलान करते रहेंगे। इस तरीके से यह मुशायरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की रात इंतहाई कामयाबियों कामरानी के साथ चलता रहेगा। अब हमारे शुअरा वो ध्यान से सुने, हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म यह है कि इस मिंबर पाक पर हज़रात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ YouTube पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ्फुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अकायद और इतिहास से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुलियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अकीदा खराब कर रहे हैं वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरत भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887857444116। हज़रात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ YouTube पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ्फुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अकायद और इतिहास से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुलियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अकीदा खराब कर रहे हैं वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरत भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887857444116। जो कलाम वो पेश करें उसमें अगर वो नात का कलाम है नातिया कलाम है तो उसमें सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मधो सना ही होना चाहिए। उसमें बद मजहबों का रद्द, ये बरेली शरीफ की एक पहचान है और इसकी इम्तियाजी खासियत है, वो तो होगा ही, लेकिन
मसलके आला हजरत की पाबंदी करने वाली किसी भी जमात, किसी भी खानकाह और किसी भी तहरीक पर अपने कलाम के जरिए से ना तो तनकीद करने की इजाजत दी जाएगी और ना ही किसी भी तरीके की एहानत का शेर पढ़ने की उसे इजाजत यहां से दी जाएगी। साथ ही साथ किसी सियासी पार्टी की ना तो यहां से हिमायत होगी और ना यहां से उसकी मुखालफत होगी। इन बातों का खास तौर पर आप हजरात को ख्याल रखना है। अब जो लोग नारा लगाते हैं उनके लिए एक खास हिदायत हुजूर साहिब सज्जादा की यह है कि नारा लगाना यह हम सुन्नियों की एक वाज़े अलामत और एक वाज़े पहचान है। हमारे ये नारे ही हैं कि जो हमारे अंदर ईमानी रूह फूंकते हैं और ईमानी हमीयत को जागुजी करते हैं। ये नारे लगते रहना चाहिए, नारे लगाना अच्छी बात है, लेकिन नारों के अंदर जाब्ता शिकनी नहीं होना चाहिए, नारों के अंदर जाब्तों का मुकम्मल तरीके से एहतराम होना चाहिए। जमाने कदीम से सुन्नियों का यह मामूल था कि वो जब नारा लगाते थे तो नारे तकबीर से उसकी इब्तिदा होती और फिर नारे रिसालत और उसके बाद नारे गौसियत या अजबते सहाबा वगैरह वगैरह। लेकिन हुजूर साहिब सज्जादा ने एक मर्तबा अपने दर्द का इजहार यूं किया कि बहुत दिनों से देखा यह जा रहा है कि हमारे लोग नादानिस्ता तौर पर नारे गौसियत को भूलते जा रहे हैं और नारे तकबीर और नारे रिसालत के बाद वो कोई दूसरा बंद वहां पर फिट कर देते हैं। इसलिए हजरत साहिब सज्जादा ने वाज़े तौर पर यह हुक्म दिया कि दरगाहे आला हजरत से जो भी पैगाम नश्र हो या खानकाहे रज़विया से मुतालिक जो भी प्रोग्राम हो वहां अवामो खवास को नारों का एक जाब्ता बता दिया जाए कि हमारे यहां सिलसिला एक अहम हैसियत रखता है, हम सिलसिले वाले लोग हैं, हम वास्ते वाले लोग हैं, हम वसीले वाले लोग हैं और हमारे इस सिलसिले में, हमारे इस वास्ते में दर्जा बंदी है, दर्जा बदर्जा हम लोग तरक्की करते हैं या दर्जा बदर्जा हम लोग तनजुली करते हैं। इसलिए जब नारा लगाया जाए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत और अजमत सहाबे किराम, अजमत औलिया किराम और नारे गौसियत और फैजान मारहरा मुताहरा, फैजान मशायखे मारहरा मुताहरा और उसके बाद मसलके आला हजरत का नारा लगाया जाए। यह तरतीब रहना चाहिए नारों के अंदर, इसलिए कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी सिलसिले कादरिया के लिए काम किया, सरकार गौसे पाक की मोहब्बत को सुन्नियों के दिलों में जागजी किया और जितना सरकार आला हजरत ने कादरियत का काम कर दिया आज तक कोई भी सिलसिले कादरिया का उतना काम ना कर सका। इसलिए गौसे पाक को फरामोश नहीं करना, किसी अपने हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्गों को फरोग नहीं करना है, फरामोश नहीं करना है, बल्कि हमें नारों के अंदर इस तरतीब का ध्यान रखना है, नारे गौसियत जरूर लगाना। अब बाज़ाब्ता तौर पर नातिया मुशायरा शुरू करने के लिए, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए जामिया रज़विया मंजर इस्लाम के एक उस्ताद आली जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रिजवान साहब वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नातिया मुशायरा, ये मुशायरा नातो मनकबत जो यहां पढ़ा जा रहा है, आप हजरात सुन रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में लोग
लाइव के जरिए से भी सुनते हैं। तो वो हजरात जो लाइव के जरिए से इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं वो एक वेबसाइट नोट कर लें, जो हमारे मोहतरम हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म से हमारे रफीक ग्रामी मोहम्मद जुबैर रजा खान साहब ने तैयार की है। यह वेबसाइट है www.markaznews.com। दूसरी साइट है हमारी www.ala-hazrat.org। ये दो वेबसाइटें हैं जिन पर लाइव के जरिए आप हजरात इस मुशायरे नातो मनकबत को सुन सकते हैं, आपके अहबाब उसको सुन सकते हैं। एक मर्तबा और पहली वेबसाइट मरकज न्यूज, जिसकी स्पेलिंग MARKAZNEWS.COM। दूसरी वेबसाइट है www.ALA-HAZRAT.ORG। ये दो वेबसाइटें हैं जिन पर हमारे तमाम प्रोग्राम बगैर तस्वीर के सिर्फ ऑडियो की हैसियत से सिर्फ आवाज को आप हजरात समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कि तस्वीर कशी के सिलसिले में मरकज का फतवा कल भी हराम होने का था, आज भी है और इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमेशा रहेगा। ये यहाँ की इम्तियाजी खासियत है कि यहाँ ना तो मूवी बनती है और ना ही तस्वीर कशी होती है। इसलिए जो हजरात मोबाइल से इस प्रोग्राम की तस्वीर कशी करने का इरादा लेकर यहाँ बैठे हो, उनसे मैं मुअद्दबाना अपील करूंगा कि वो अपने मोबाइल से ये ना तो तस्वीर कशी करें ना ही मूवी बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर हमारे इंतजामिया ने उसको देख लिया तो आपका मोबाइल 3 दिन के लिए जब्त हो सकता है, सिर्फ 3 दिन के लिए। अब कारी रिजवान साहब तिलावत कलाम रब्बानी से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और उसके बाद फिर शोराए किराम यके बाद दीगरे आते रहेंगे और अपने कलाम से हम लोगों को महजूज करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم على الضالين صدق الله العظيم السلام عليكم ما شاء الله ए जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के शोबे हिफ्ज़ो क़िराअत से मुतालिक एक मुअक्कर उस्ताद थे जो एक तरफ तो तिलावत कलाम रब्बानी फरमा रहे थे तो दूसरी तरफ वो अपने फ़न का मुजाहरा भी फरमा रहे थे। अहले इल्म फ़न जो फन क़िराअत से वाकफियत रखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कारी रिजवान साहब जो कुछ पढ़ रहे थे वो कितनी खूबियों पर मुश्तमिल उनकी ये क़िराअत थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में ममालिके महरूसा फारस ईरान इराक वगैरह खित्तों से एक शिकायत उन्हें मौसूल हुई कि ममालिके महरूसा में अरबी ज़बानों अदब और उसकी फसाहत व बलागत पर मुकम्मल अबूर रखने वाले सहाबे किराम मुख्तलिफ लबो लहजे और मुख्तलिफ किरात में तिलावत कलाम रब्बानी करते हैं जिसकी वजह से वहाँ जंगो जिदाल का माहौल गर्म हो गया, जंगो जिदाल बरपा हो गई। कोई कहता कि हमने फला सहाबी को मालिके यौमिद्दीन पढ़ते हुए सुना और कोई कहता कि हमने फला सहाबी को मलिके यौमिद्दीन पढ़ते हुए सुना। इसलिए वो हजरात आपस में बरसरे पैकार हो गए और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हों को ये अजीमुशान कारनामा अंजाम देना पड़ा कि तमाम मसाहिफ को और तमाम कुरान करीम के नुस्खों को उन्होंने वापस मंगा लिया और तमाम
सहाबे किराम का मुत्तफका मुसहब जिसे इमाम के नाम से तारीख याद करती है, मदीने तैयबान में मिंबर पाक के पास उसे नसब करा दिया और उसी की नकलें सारे ममालिक महरूसा में भेजी गईं ताकि उम्मत में इख्तलाफ और इंतशार पैदा ना हो जाए। इसलिए कारी साहब ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया, लेकिन हमारी आवाम कहीं कल को जाकर के अपने इमाम के पीछे ना पड़ जाए कि हमने उर्से रजवी के मोतबर स्टेज से मलिक यौमिद्दीन पढ़ते हुए सुना, तुम मालिक क्यों पढ़ते हो, लड़ने ना लगे। इसलिए मालिक भी पढ़ना जायज, मलिक भी पढ़ना जायज, मुख्तलिफ किराते हैं और वो किराते सबा भी उनको कहा जाता है, किराते आशरा भी उनको कहा जाता है। इसलिए आप अवाम से मेरी गुजारिश है, अहले फन तो जानते ही, अवाम से मेरी गुजारिश है कि वो परेशान ना हो इस सिलसिले में बिल्कुल भी। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा वो बिल्कुल हक है और बिल्कुल वो सही। और माशाल्लाह इतने उम्दा अंदाज में पढ़ रहे थे जिससे हमें फख्र महसूस हो रहा था।